आज हम चौलाई की कोई सब्जी नहीं बना रहे हैं, आज हम चौलाई का बहुत ही बढ़िया सा नाश्ता बनाने वाले हैं। तो उस नाश्ते को बनाने के लिए यहाँ पर हमने चौलाई ले लिया हुआ है, इसको काफ़ी अच्छे से पानी से साफ कर लिया है और इसका जो पानी है वो भी हल्का सा सूख गया है। तो चलिए अब इसको हम कट कर लेते हैं और ये वाला नाश्ता ना आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा, एक बार ट्राई ज़रूर से कीजिएगा। वैसे इसको चौलाई बोलते हैं, आप लोग क्या बोलते हैं, इसके और कोई नाम होंगे तो मुझे ज़रूर से कॉमेंट करके बताइएगा। और इसको इस तरीके से हम कट कर लेते हैं, तो बहुत ज़्यादा छोटे टुकड़े मत कीजिएगा, थोड़े बड़े रहेंगे तो भी चलेंगे, रफली ही कट करना है। तो ये लीजिए, जो चौलाई थी वो काफ़ी अच्छे से कट चुकी है और ये वाला नाश्ता आज का ना बहुत पसंद आने वाला है आपको। तो अब इसको साइड में रख देते हैं। तो यहाँ पर हमने बड़े साइज़ के दो आलू ले लिए हैं, कच्चे आलू हैं ये, इसको छील कर पानी से साफ़ भी कर लिया है। और अब इन आलुओं को क्या करना है, हमें ग्रेट करना है। तो जो ये बड़े होल वाला ग्रेटर होता है ना, यही वाला ग्रेटर आप इस्तेमाल कीजिएगा, क्योंकि बड़े होल वाले ग्रेटर से जब आप इसको ग्रेट करेंगे ना, तो आलू के जो लच्छे हैं वो काफ़ी बड़े बड़े से थोड़े से मोटे भी निकल कर आते हैं, जिसकी वजह से ये और भी ज़्यादा टेस्टी बनेंगे। बारीक वाले से बिल्कुल भी इसे ग्रेट मत कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये रेसिपी थोड़ी सी भी पसंद आएगी ना, तो वीडियो को लाइक और शेयर, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो आलूओं को देखिए, हमने इस तरीके से ग्रेट कर लिया है, इसके जो लच्छे हैं काफ़ी बढ़िया से निकल कर आ गए हैं ना। तो अब इसमें हम डालेंगे पानी और इसे एक से दो बार और अच्छे से साफ़ कर लेते हैं। तो देख सकते हैं पानी का जो कलर है किस तरीके से चेंज हो चुका है ना, तो एक से दो बार आप इसे बढ़िया से साफ़ कर लीजिएगा, उसके बाद ही इसको बनाइएगा, तो काफ़ी अच्छे भी लगेंगे खाने में। और जो चौलाई है वो भी हमने कट करके रख ली है, तो अब चलिए इसको धुल लेते हैं। और धुलने के बाद कटी हुई चौलाई में इन आलुओं को हम ऐड करेंगे और ये वाला नाश्ता सच में बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, काफ़ी क्रिस्पी भी लगते हैं ये खाने में। अब इसमें ऐड करेंगे बेसन, तो ये चम्मच काफ़ी बड़े साइज़ का है, तो बड़े साइज़ की चम्मच से दो चम्मच हमने बेसन ऐड किया है। नॉर्मल चम्मच से ऐड कीजिएगा ना, तो तीन से चार चम्मच बेसन लग जाएंगे, जितनी क्वांटिटी मैंने ली है सारी चीज़ें उस हिसाब से। और ये चम्मच देखिए काफ़ी बड़ा है ना, तो मैंने दो चम्मच लिया है। तो अब इसमें ऐड करेंगे और भी कुछ चीज़ें, जैसे कि कटी हुई हरी मिर्ची, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही डालिएगा, तीखापन रहेगा तो काफ़ी अच्छा लगता है। ग्रेट किया हुआ अदरक ऐड करेंगे, कटी हुई धनिया की पत्ती डाल देते हैं, इसकी वजह से ना और भी ज़्यादा अच्छा लगेगा, क्योंकि धनिया पत्ती का टेस्ट काफ़ी अच्छा लगता है। और इसे हम थोड़ा सा सुपर क्रिस्पी बनाने के लिए ऐड करेंगे सूजी, यानी कि रवा या फिर सेमोलिना। आप इसमें बड़े दाने, बारीक दाने, कोई भी सूजी इस्तेमाल कर सकते हैं। सूजी नहीं है, चावल का आटा भी ऐड कर सकते हैं, वो भी नहीं है तो स्किप कीजिएगा, या फिर कॉर्नफ्लोर भी डाल सकते हैं। टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालेंगे, एक छोटी चम्मच के जितना कच्चा जीरा डालेंगे, जीरे की वजह से काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है। और अब इसे हम बढ़िया से दबा कर अच्छे से मैश कर लेंगे, मिक्स कर लेंगे। और जब दबा कर आप इसको मिक्स करेंगे ना, तो क्या होता है, आलू में भी पानी होता है और जो चौलाई है वो हरी सब्जी है, तो उसमें भी तो काफ़ी सारा पानी रिलीज़ होता है। तो आपको इसमें पानी अलग से डालने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये काफ़ी अच्छे से खुद ही बाइंड हो जाएगा। अगर आप इसमें बेसन बहुत ज़्यादा डालेंगे तब आपको पानी इसमें थोड़ा सा डालना पड़ जाएगा, पर बेसन ना बहुत ज़्यादा मत डालिएगा, क्योंकि अगर बेसन का टेस्ट ज़्यादा आएगा ना, तो ये खाने में उतने अच्छे भी नहीं लगेंगे। तो देखिए कितने अच्छे से बाइंड हो रहा है ना। तो चलिए, ये मिश्रण हमारा तैयार है और ये सच में बहुत पसंद आएगा आपको, एक बार आप बनाकर ज़रूर ट्राई कीजिएगा इसे। तो यहाँ पर तेल हमने पहले ही गर्म होने के लिए चढ़ा दिया था, और अभी इसमें छोटे छोटे से जो पकौड़ियाँ हैं बनाकर हम इसमें डालते जाएंगे। तो एक साथ बहुत सारा मत डालिएगा, जितना एक बारी में आ सके, और डालने के बाद तुरंत इसे टच नहीं करना है, जब ये थोड़े फ्राई हो जाएंगे ना तभी इसमें उलट पुलट कीजिएगा, जिससे ये टूटे नहीं। वैसे ये बहुत ज़्यादा टूटते या फटते बिल्कुल नहीं हैं। और ये देखिए कलर भी इसका बहुत ही मस्त लग रहा है ना, तो इसी तरीके से इन्हें अच्छे से चला लेंगे ताकि ये हर तरफ से बढ़िया से फ्राई हो सकें। और ये चौलाई और आलू के जो पकौड़े हैं ना, ये बहुत ही सुपर क्रिस्पी बनते हैं, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं, बहुत ही इंस्टेंट भी बन जाते हैं। तो देखिए काफ़ी अच्छे से इसका जो कलर है वो चेंज हो चुका है, गोल्डन हो चुके हैं, क्रिस्पी भी हो चुके हैं। तो अब इसे हम निकाल लेते हैं और बचे हुआ जो हमारा मिश्रण है, सेम इसी तरीके से सारे पकौड़े को बनाकर हम फ्राई कर लेंगे। तो चलिए, ये बैच तो अच्छे से फ्राई हो चुका है, तो इसी तरीके से सारे पकौड़े हम बना लेंगे। तो फाइनली हमारी ये चौलाई और जो है आलू के पकौड़े हो चुके हैं तैयार। आप इसको चटनी, सॉस, किसी के साथ भी खाइए, जिसके साथ आपकी मर्जी हो, और एक बार इसे बनाकर ज़रूर ट्राई कीजिएगा, क्योंकि आपको आने वाला है बहुत ही पसंद। इसका जो टेस्ट है काफ़ी अच्छा होता है, काफ़ी क्रिस्पी होते हैं ये देखिए लग रहे हैं ना, और सच में बहुत अच्छा लगेगा आपको। तो उम्मीद करते हैं आज की रेसिपी आपको आई होगी पसंद। तो वीडियो को लाइक और शेयर, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा। और इसे हमने सर्व किया है टमाटर की चटनी के साथ।
तो टमाटर की चटनी के साथ तो सारे ही पकौड़े अच्छे लगते हैं ना। आप इसको सॉस के साथ, हरी चटनी के साथ, जैसी मर्जी आप खा सकते हैं। तो चलिए ट्राई कीजिए, हम मिलते हैं नई रेसिपी के साथ।